ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/3/2001। बाप दादा ने हम बच्चों को मास्टर ज्ञान का सागर बनाया, और जब हम बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर बनते हैं तो बाबा कहते, तुम हो बच्चे त्रिकाल दर्शी, त्रिलोकी नाथ और साथ साथ त्रिनेत्री। क्योंकि ज्ञान का जब तीसरा नेत्र मिला तब हम बच्चों को पूरा ज्ञान मिला, ज्ञान चक्षु बाबा ने दिए। क्योंकि हम तो उस रीति से नैनहीन थे, अर्थात ज्ञान का चक्षु हमारे पास नहीं था। बाबा ने आके खोला, दो आंख खुली थी, एक ज्ञान चक्षु की आंख बंद थी, वो भी बाबा ने खोल दी, तो हम बन गए त्रिनेत्री, फिर त्रिकालदर्शी और फिर त्रिलोकीनाथ। तो ऐसे ही बाबा मुरली के अंदर हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। और आज बाबा की मुरली थोड़ी सी स्टार्ट होने के बाद जो गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, तो हम भी उस प्रकार से बाबा की वो चार लाइन सुनने के बाद फिर मुरली गीत सुनेंगे और बाबा को याद करेंगे और फिर से मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ये भी एक नशा अवश्य होना चाहिए कि भगवान ने ऑलमाइटी अथॉरिटी रचयिता ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने मुझे मास्टर ज्ञान सागर बनाया। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। अब सोचो, ये शब्द जो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के ऊपर लगाए जाते हैं, देवी देवताएं तो त्रिनेत्री भी नहीं है, त्रिलोकीनाथ भी नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन संगम युग पर बाबा ने हमको आप समान बना दिया। भगवान को कहते हैं त्रिकालदर्शी और बाबा ने हमको बना दिया। अगर ये तीन टाइटल हम याद रखेंगे तो हम कितनी खुशी में रह सकते हैं। मुरली का प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई कर नहीं सकता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सुप्रीम रूप शिव बाबा से शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूप के द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, शक्ति मिलती है ना, तो बाबा शक्ति कैसे भरते? लोग जैसे शक्ति लेने के लिए डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाता हूँ। ये जो मुरली है वो क्या है? इंजेक्शन लगता है, और ये इंजेक्शन लेना बहुत ही जरूरी। जैसे देखो अभी क्या हो रहा है, कोरोना में सब वैक्सीन के लिए इंजेक्शन लेते हैं ना, कि भाई हम कोरोना से बचे रहें। तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों को ये इंजेक्शन देता हूं ना, तो तुम्हारे में ताकत आ जाती है, आत्मा स्ट्रांग बनती है। तो मैं इंजेक्शन लगाता हूं जिनसे तुम पांच विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और फिर दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। कल्प कल्प तुम बच्चे ये रूहानी सेवा करते हो, इसका भी हमको नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। भगवान के हम मददगार हैं और वो सेवा कर रहे जो और कोई कर ही नहीं सकता। ओम शांति। बाबा की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। सब बैठे हो ना बाबा की याद में? कोई बात याद नहीं रखना, कोई व्यक्ति को याद नहीं करना,
अब सिर्फ मैं और बाबा की मुरली। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते नहीं है, उनका नाम तो बड़ा सहज है। किसका नाम? बाबा का। क्या नाम है? शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। कभी ऐसे होता है कि बच्चा अपने बाप को नहीं जाने? बच्चे के मुख से पहला शब्द बाबा निकलता है जब छोटा बच्चा होता है तो, और यहाँ बाप को ही नहीं जानते। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों को पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। भगवान की महिमा करते, पतित पावन दुख हरता, पर वो कौन है ये कोई नहीं जानता, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। तुम हो उनके पोतरे पोतरियां। किसके पोतरे पोतरियां हैं हम? शिव बाबा के। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां और शिव बाबा के बच्चे पोतरे पोतरियां। सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना, उनके आद मध्य अंत को जानेंगे। बाप के द्वारा बच्चे सब कुछ जान जाते हैं। ये है पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं? वो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई जानता ही नहीं। ये ज्ञान कोई भी नहीं जानता सिवाय हम बच्चों के। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता कौन? शिव बाबा। एक पापी है। शिव जयंती भी भारत में होती है, जरूर वो आते हैं, परंतु भारत को क्या करके देते हैं ये तो भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते, अभी भी सबने मनाई, हर वर्ष मनाते, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना, इसलिए बाप को जानते नहीं। जो रसम रिवाज है वो निभाते हैं, जानते नहीं। तो इतनी मुरली चलाने के बाद फिर बाबा कई बार बीच में ऐसे योग कराते बच्चों को, तो इतना मुरली चलने के बाद फिर बाबा ने बच्चों को दृष्टि दी और गीत बजा, तो हम भी वो गीत सुनेंगे और बाबा को याद करेंगे, फिर वापस आगे मुरली सुनेंगे। Nine.
दीप जलाऊं मैं प्रभु मैं नहीं राधिका प्रभु पग पग तो कर सभी ने गीत सुना। देखो गीत के अंदर स्पष्ट भक्त लोग कहते हैं ना, चारों तरफ अंधियारा है, मुझे वो रोशनी दो, शक्ति दो, तुम्हारे द्वार को मैं भूलू नहीं, तुम्हें भूलू नहीं। तो बाबा कहते हैं कि गीत भी बनाते हैं पर अर्थ नहीं जानते हैं। किसी को बोलो आप नैनहीन हो तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु तो है नहीं किसके पास, बाबा ने हम बच्चों को दिए। अब आगे की मुरली सुनेंगे। ये मनुष्यों का बनाया हुआ गीत है कि हम सब कौन है, नैनहीन है। ये स्थूल नैन तो सबको है, परंतु अपने को नैनहीन क्यों कहते हैं, ये भी पॉइंट समझाने के लिए बहुत काम आती है। जो इस टाइप के गीत बने हुए हैं ना, तो बाबा कहते हैं इन गीतों के ऊपर तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो कि भाई कौन से नैन नहीं है। इसी प्रकार और भी इस टाइप के गीत है, जैसे कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रहे। तो ये जो गीत है वो सर्वव्यापी की बात को उड़ा देता है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो एक्यूरेट सेवा के लिए निमित्त बने हुए। तो आज बाबा इस गीत के ऊपर बता रहे। तो बाबा कहते अपने को नैनहीन हम क्यों कहते, ये बाप बैठ समझाते कि ज्ञान का तीसरा नेत्र है ना कोई के पास नहीं है। बाप को नहीं जाना मना क्या हो गया, अज्ञान हो गया ना। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहते ज्ञान, क्योंकि बाबा का परिचय बाबा ही देते हैं। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिनसे तुम सारी रचना के आद मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। जो भी बाबा टाइटल दे रहे हम बच्चों को, आज सारा दिन बार बार उसको याद करो, मास्टर ज्ञान सागर, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, और भी बाबा बताते रहते हैं। तीसरा नेत्र माना त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, उनको ये वर्षा कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो कब आए, फिर अभी कहाँ गए, फिर कैसे राज्य मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते हैं। ये देवताएं तो पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएगा। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भारत में हुआ, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता, ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ हुआ, शिव बाबा भी भारत में, ब्रह्मा सरस्वती भी भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी तो यहाँ ही रहता है, और वहीं फिर राधे कृष्ण का भी रहता है, इसीलिए भारत खंड है, सच खंड है, सतयुग है। तो राधे कृष्ण बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो, ब्रह्मा सरस्वती बोलो, शिव बाबा का जन्म भी बोलो भारत में, इसीलिए हम भारतवासियों को भी बहुत इस बात का नशा रहता है भगवान का बर्थ प्लेस है। ये भी तो भारतवासी नहीं जानते भारत की कितनी महिमा अपरंपार है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले में जाते हैं पाप धोने के लिए, दोनों देखो विरोधी बातें हैं। एक तरफ भगवान को पुकारते,
दूसरी तरफ पाप धुलने के लिए स्नान करने जाते तो वो कैसे चलेगा? अगर स्नान से पानी से आत्मा पावन बनती है तो भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं रहती है। समझते कि गंगा ही पतित पावनी है, पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकता है? बाप समझाते, तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित है। कहते ना राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह बतावे? प्रभु को बताते हैं राह बताओ, कहाँ की बतावे? कहते बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ, जिसमें सदा सुखी सदा शांत जीवन आनंदमय हो। हमारे में 5 विकार हैं। बाबा हम स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी बन गए, पतित बन गए, अब इसका कुछ राज तो समझाओ। ये कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला तो है निराकार भगवान, मनुष्य को तो भगवान कह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु होते हुए भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना? ये भी एक प्रश्न है और पूछ भी सकते कि इतने बड़े बड़े गुरु, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, फिर भी भारत नीचे क्यों गिर रहा है, पतित क्यों बन रहा है? कल की तो बात है कि भारत स्वर्ग था, बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखाकर पावन बाबा ने बनाया था। अभी फिर बाप बच्चों के पास आया है। क्यों आया है बाबा? बाबा कहते मैं सेवाधारी बन करके आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने, भारत को स्वर्ग बनाने। तो निरहंकारी बाबा कहते मैं सेवाधारी बनकर आया। बाबा रूहानी सेवाधारी है, बाकी तो सब मनुष्य मात्र न जिस्मानी सेवाधारी है। सन्यासी भी तो जिस्मानी सेवाधारी है, वो पुस्तक आदि बैठ करके सुनाते हैं। बाबा कहते मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को आकर के समझाता हूँ, ये है रूहानी सेवा। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं सुनाता, लेकिन वो निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, शालिग्राम आत्माओं को अपना अपना शरीर है। शालिग्राम माना आत्मा, आत्मा का नाम है शालिग्राम। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन तो एक भी नहीं है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो, फिर सतो से रजो, रजो से तमो में आ गए। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, इसको कहते भागीरथ। ब्रह्मा है भागीरथ, भगवान का रथ भाग्यशाली रथ। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वो शिव शंकर को इकट्ठा समझ लेते, ज्योति बिंदु है शिव बाबा, तो शंकर बता दिया साथ में। वह समझते नहीं है कि शिव निराकार है, शंकर तो आकारी देवता है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे हो सकता? राशि भी एक ही है ना, नाम भी है शिव और वो शंकर, और फिर शिव को निराकार दिखाया तो बाबा कहते इकट्ठा कर दिया, अब वो कैसे हो सकता? अच्छा फिर बैल पे सवारी कौन करता है? शिव करता है या शंकर करता है? सूक्ष्म वतन में बैल आया कहाँ से? वहां तो जानवर रहते नहीं सूक्ष्म वतन में, तो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते फिर बैल वहां कहाँ से आया? तो भक्ति मार्ग के अंदर कुछ ना कुछ अड़गम बड़गम बाबा कहते ना, हाँ बनाते रहते कहानियां।
सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन, शंकर रहता है सूक्ष्म वतन। दोनों के रहने की जगह भी अलग है। मूल वतन में तो सब आत्माएं रहती हैं और सूक्ष्म वतन में सब ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो वहां जानवर तो होते नहीं है। तो बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को समझाता हूँ। शिव बाबा कैसे आते हैं ब्रह्मा के तन में। तुम बच्चे अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए? बाबा ने बताया कि बच्चे 84 जन्म लिए। अभी ये पिछाड़ी का जन्म है। भारत जो अमर लोक पावन था वो अभी क्या बन गया? मृत्यु लोक पतित बन गया। सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। रुद्र माला है परमपिता परमात्मा शिव की। श्री श्री 108 रुद्र 108 रुद्र माला कही जाती है। अब शिव के गले का हार है। बाबा तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी लोग कांग विष्टा समान सुख समझते हैं। बाबा कहते कि बरोबर ये तुम्हारा सुख कांग विष्टा के समान है। कौन सा? जो लौकिक बाप से वर्षा मिलता, धन संपत्ति मकान आदि जो कुछ भी मिलेगा तो कांग विष्टा के समान है, अल्पकाल का है। बाकी बाप आकर जो पतितों को पावन बनाते और बेहद का वर्षा देते, कांटों को फूल बनाते, कैसे? बाबा कहते नॉलेज के द्वारा। ये गीता की नॉलेज है। ये ज्ञान कोई मनुष्य तो नहीं समझा सकता है। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम सिर्फ सदगति के तरफ जा रहे। सारी दुनिया के अंदर हम थोड़े से ब्राह्मण है, संगम योगी ब्राह्मण, जो बाबा कहते तुम सदगति की तरफ जा रहे हो। दुनिया तो नीचे नीचे उतरती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है और हम बच्चे चढ़ती कला में जा रहे हैं। अभी तुम हो संगम पर और बाकी सब तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। हर कल्प एक्यूरेट ड्रामा चलता। पहले भी भंबोर को आग लगी थी, अभी भी लगेगी, तैयारियां हो गई है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो किसके लिए? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं ना तो आकर के स्वर्ग के द्वार खोलते। बाबा कहते ये शिव शक्ति भारत माता है, भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। इसलिए बाबा कलश रखते शक्तियों पर, माताओं पर, बहनों पर, कुमारियों पर, कि यही भारत को स्वर्ग बनाती। इसलिए कहते भारत माता की जय। कभी ये नहीं बोलेंगे भारत पिता की जय। तुमो शिव शक्ति भारत माता है, जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उनको याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी, याद है सभी को? हर कल्प हम भारत की रूहानी सेवा करते, भारत को स्वर्ग बनाते बाबा की श्रीमत पर, सब याद है ना? ओके। वो सोशल वर्कर्स जिस्मानी सेवा करते हैं, ये रूहानी सेवा है। सुप्रीम रूह आकर क्या करता है? आत्मा को इंजेक्शन लगाता है। अब हमको इंजेक्शन लग रहा है, पढ़ाता है, आत्मा सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो,
84 जन्म लेकर माँ बाप कितने बन गए हमारे, 84 माँ बाप। सत्युग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अभी बेहद के बाबा के द्वारा बेहद सुख का वर्षा ले रहे। बरोबर भारत को ये वर्षा मिला था, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ दैत्य आदि नहीं थी, देवताओं के राज्य में कोई राक्षस नहीं होते हैं। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, मैं आकर के ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, स्वाहा होगी पुरानी दुनिया, तो बाबा क्या करते आकर के यज्ञ रचते हैं। तुम सब पवित्र देवता बनते हो, हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ करे, अब तो बाबा के लाखों बच्चे हो गए, क्योंकि हमको तो 9 लाख सत्यु की शुरुआत, फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़, उतने तो तैयार करने हैं, तभी तो बाबा के ढेर बच्चे देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे। बाबा आया है बच्चों की सदगति करने, तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी दे रहे हैं, जिनसे तुम सारे ड्रामा को, शिव बाबा का क्या पार्ट है वो सब कुछ जान जाते हो, ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वो भी तुम बच्चे जानते हो। पहले तो नहीं मालूम था ब्रह्मा और विष्णु एक ही है, कभी सपने में भी नहीं सोचा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता, मालूम था कभी नहीं मालूम था। वे दिखाते हैं कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु जवान, ब्रह्मा बूढ़ा, हमेशा बूढ़ा ही बताते हैं ना दाढ़ी वाला, उनके नाभि से निकला ब्रह्मा, जाकर के विष्णु बनता है, ब्राह्मण जाकर के क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा, सत्युग में विष्णु था, उसको ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा, 5000 वर्ष लगे। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णु पूरी प्रकट होती है, नई पॉइंट है आज के मुरली की। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से क्या निकलता है, विष्णु पूरी, सत्युग बन जाता। उन्होंने तो चित्र बनाया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेद शास्त्रों का सार सुना, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में फिर वेद शास्त्र दे दिए। अब तुम ब्रह्मा के द्वारा सार पूरा बाबा से समझते, बाबा सब वेद शास्त्रों का हम बच्चों को सार बताते, उन्होंने फिर इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में बताया, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं। बाबा कहते मुख्य धर्म है 4, पहले देवी देवता धर्म, उसका शास्त्र कौन सा, गीता, किसने सुनाई, शिव बाबा ने। 4 धर्म भी याद रखो, धर्म शास्त्र भी याद रखो सभी, हाँ कईयों को याद नहीं रहते, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, फिर इस्लाम धर्म स्थापन होता उनका धर्म शास्त्र है कुरान, फिर बुद्ध धर्म स्थापन होता तो उनका धर्म शास्त्र है दंपत, फिर क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता तो उनका धर्म शास्त्र है बाइबल, फिर लास्ट में कलयुग में लास्ट 500 वर्ष पहले गुरु नानक आता है, तो गुरु नानक का फिर ग्रंथ बनता है, लेकिन मुख्य है 4 धर्म। तो गीता किसने सुनाई, शिव बाबा ने सुनाई, ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है, उसने बैठकर भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि कृष्ण ने बनाया, कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर के कृष्ण बना, वो आत्मा ज्ञान सुनकर कृष्ण बनती है, तो ये गुप्त बात हो गई ना, नए बच्चे इन बातों को समझ न सके, अच्छी तरह पहले कोर्स में बताना पड़े तब समझ सकते हैं। इनको कहते नर्क और सत्युग है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे,
अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां तो दुख का नाम भी नहीं था, भारत परिस्थान था। ये सब याद रखो, नाम भी स्वर्ग के नाम, नरक के नाम, फिर स्वर्ग के नाम रिपीट करो दिन भर में कि क्या क्या बोलते तो खुशी होती है। भारत जो था परिस्थान था, अभी कब्रिस्तान बन गया, फिर आकर के बाबा परिस्थान बनाते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते, कोई गुरु के पास जाओ, सन्यासी के पास जाओ, कोई ना कोई शास्त्रों की बातें सुनाते। बाबा कहते मैं तो डायरेक्ट ज्ञान देता हूँ क्योंकि मैं हूँ ज्ञान का सागर। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक कि उसने 7 दिन का कोर्स नहीं किया। इसलिए अपना नियम ही ऐसा है, कोई भी अगर नई आत्मा आती है बाबा के घर में, पहले उसको 7 दिन का कोर्स करना पड़े, तब तो वो बाबा को समझ सकेंगी, फिर बाबा के ज्ञान को समझ सकेंगी। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उनकी आत्मा भी याद ही करती है भगवान को। परमात्मा एक माशूक है और बाकी सब जो है वो आशिक है। बाबा आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर के झूठ खंड बनाता। अभी है संगम। ये सब समझने की बातें हैं। मुरली बहुत छोटी रही है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला बाबा की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी, क्योंकि अभी हम सेवाधारी बन गए ना, रूहानी सेवाधारी। बाबा ने कहा कि दुनिया में लोग हैं जिस्मानी सेवाधारी, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र तो जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और फिर दूसरों को भी बनाना है। वरदान है श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले। किसके द्वारा? श्रीमत के द्वारा सदा खुशी और हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत परमत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है उनका मन सदैव संतुष्ट होगा, मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से ना नेचुरल खुशी रहती। सचमुच अनुभव करो, एक दिन भी अगर आपने सुबह से रात्रि तक बाबा की हर श्रीमत का एक्यूरेट पालन किया ना, बहुत खुशी रहती, संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा भी खुशी के परसेंटेज कम हो जाए तो चेक करो, जरूर श्रीमत की न कहा न कहा अवज्ञा हुई, कोई तो मैंने श्रीमत की अवज्ञा की है जो मेरी खुशी गायब हो गई। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग करके मनमत परमत से स्वयं को मुक्त करो। सारा गड़बड़ करता है मनमत और परम, इन दोनों से अगर हम परे हैं, किनारा करके चलते हैं ना, तो फिर हमारे से भूल नहीं होती है, गड़बड़ नहीं होती है, कोई भी कर्म नहीं बनता है, बचे रहते हैं। स्लोगन है बुद्धि रूपी विमान के द्वारा वतन में पहुंचकर। वतन में कैसे पहुंचना है? बुद्धि रूपी विमान के द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है।
बाबा है ज्ञान सूर्य और हमें बाबा से मिलती है शक्ति की किरणें। आज देखो ये सूर्य की भी कितनी कमाल है, एक सूर्य कितनी रोशनी पैदा करता है। इसीलिए बाबा के लिए भी कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ऐसे हमको बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनना है। एक पॉइंट मातेश्वरी जी की सुनाती हूँ। आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब हम ये शब्द कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल माना बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई, तो ये शब्द सिद्ध करता है कि आत्मा परमात्मा ना अलग अलग दो चीज है। देखो मम्मा स्पष्ट बताती है, मम्मा का जो मुरली है ज्ञान है वो इसी प्रकार से मम्मा बताते कि सबको समझ में आ जाए। दोनों में आंतरिक भेद है, किसमें? आत्मा परमात्मा। परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण वो अपने असली स्वरूप को भूल गए। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा ना तो आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। वो तो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण ना दुखी हो गई है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा से जाके मिलती है, एक हो जाती। ऐसी अलग अलग मतें जो दुनिया में है वो मम्मा बता रही है। वो तो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, पर हम जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा से मिलके एक हो सकती है, दोनों भी बात गलत है। ज्योति ज्योत तो समा नहीं सकते हैं और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। अब परमात्मा पे ही आवरण चढ़ गया तो हमारा आवरण उतारेगा कौन? तो मम्मा की जो मुरली रहती थी, कभी भी आप मम्मा की मुरली सुनेंगे ना, इतनी स्पष्टता एक विषय के ऊपर रहती थी जो कोई भी नया इतना अच्छा सरल समझ जाता था उनके बुद्धि से भ्रांति निकल जाती। ये मम्मा की ज्ञान वीणा ज्ञान मुरली की बड़ी विशेषता रही है। अच्छा, ओम शांति। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती मम्मा के अनगिन